अब मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि आज चिदंबरम साहब क्यों नहीं आ रहे, होते तो काफी स्पष्टता हो जाती, वही खड़ा होकर इनको समझा देते कि बैठ जाओ भैया, मैंने ही कहा है, आप काहे पे सारी बवाल कर रहे हो। अगर होते तो कह भी देते माननीय, मगर मालूम नहीं कल मेरा भाषण सुनकर ना आए या इनको थोड़ी सरलता रहे बात करने की इसलिए नहीं आए। इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 239(a)(a)(3)(c) के दूसरे प्रावधान के तहत भले ही संशोधन अधिनियम को सहमति दी गई हो, संसद मतलब वो अधिनियम जो दिल्ली सरकार ने पारित किया है, सहमति दी गई हो, संसद किसी भी समय एक ही मामले में कोई भी कानून बना सकता है, इसको संशोधित भी कर सकता है, इसको निरस्त भी कर सकता है, जो मैं कर रहा हूं। अब मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि आज चिदंबरम साहब क्यों नहीं आए, होते तो काफी स्पष्टता हो जाती, वही खड़ा होकर इनको समझा देते कि बैठ जाओ भैया, मैंने ही कहा है, आप काहे पे सारी बवाल कर रहे हो। अगर होते तो कह भी देते माननीय, मगर मालूम नहीं कल मेरा भाषण सुनकर ना आए या इनको थोड़ी सरलता रहे बात करने की इसलिए नहीं आए। मैं कल पूछने का प्रयास करूंगा अगर मेरा फोन वो उठाएंगे तो। मान्यवर अभिषेक मनु सिंघवी जी ने अपने भाषण के अंदर लोकतंत्र, फेडरल स्ट्रक्चर ये सारी बातें कही। अभिषेक मनु सिंघवी जी अगर टीएमसी से आते तो थोड़ा बहुत करते तो मैं अलग जवाब देता, मगर कांग्रेस से आते हैं, इमरजेंसी डालने वाली पार्टी, एक ही अधिनियम, देश भर के सारे लोकतांत्रिक अधिकार छीन लेने वाली पार्टी, विपक्ष के 2 लाख से ज्यादा कार्यकर्ताओं को कोई दोष के बगैर जेल में डाल देने वाली पार्टी, माननीय सभी, मैं बताता हूं क्या व्यवस्था है, मैं बताता हूं। माननीय गृहमंत्री जी बोले, कृपया सीट पर बैठ कर। माननीय सारे देश के अखबारों का, अखबारों की स्वतंत्रता का गला घोटने वाले पार्टी, पिक्चर के गाने ड्यूएट होते थे वो भी किशोर कुमार की आवाज छुपा देने वाली, कटवा देने वाली पार्टी आज लोकतंत्र की दुहाई दे रही। और फौजिया खान जी ने ठीक कहा, कि कोई इसका समर्थन नहीं कर रहा, आज भी ये समर्थन कर रहे मुझे रोक टोक कर, आज भी समर्थन कर रहे हैं। मान्यवर फौजिया खान जी ने ठीक कहा कि देश में इमरजेंसी का कोई समर्थन नहीं कर सकता, ना करना चाहिए, ना आज भी मैं आपको कहता हूं मत करिए वरना बहुत दिक्कत है। प्लीज तो आप टिप्पण आप नकारते हैं क्या? प्लीज